पादरियों की रेस में नहीं हूँ, ये बयान सुनकर कट्टरपंथियों को मिर्ची लगना तय है। ये बेबाक बयान है रामास्वामी के। इनकी बेबाकी से बहुत लोगों के पैर के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे भारतवंशी विवेक रामास्वामी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी में खलबली मची हुई है। इस बीच विवेक रामास्वामी के एक बयान ने कट्टरपंथियों के होश उड़ा दिए हैं। उनका हिंदू होने को लेकर दिया गया एक बयान काफी पसंद किया जा रहा है। कई लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद विवेक रामास्वामी की तारीफ भी की है। इस वीडियो में रामास्वामी ने खुद के हिंदू होने से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव तक कई मुद्दों पर बात की है। विवेक रामास्वामी ने एंटी हिंदू कैंपेन चलाए जाने के खिलाफ खुलेआम कहा कि मैं वो दिखावा नहीं करूंगा जो मैं नहीं हूं। मैं हिंदू हूं और मुझे अमेरिका का कमांडर इन चीफ बनना है, पास्टर इन चीफ नहीं, यानी कि पोप नहीं। मैं पादरियों की रेस में नहीं हूं। बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान ईसाई मूल्यों पर आधारित देश के रेफरेंस में उनकी हिंदू आस्था के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में विवेक रामास्वामी ने कहा कि मैं वो दिखावा नहीं करूंगा मैं जो नहीं हूं। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो बाइबल को एक औसत ईसाई से बेहतर जानते हैं। उन्होंने कहा, मैं पास्टर इन चीफ के लिए नहीं चुनाव लड़ रहा हूं, बल्कि मुझे इस देश का कमांडर इन चीफ बनना है। रामास्वामी से पूछा गया कि एक हिंदू होने के नाते क्या आप ईश्वर के बारे में अपनी आस्था साझा कर सकते हैं और उनके पुत्र ईसा मसीह के बारे में आप क्या सोचते हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं हिंदू हूँ। विवेक रामास्वामी ने आगे कहा, ईसाई धर्म कैथोलिक धर्म के कई प्रकार हैं, वैसे ही हिंदू धर्म के भी कई प्रकार हैं। मैं एक सच्चे ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मेरा मानना है कि वो ईश्वर हम में से प्रत्येक में निवास करता है। मुझे लगता है कि ईसाई परंपरा में भी ऐसा ही माना जाता है। जब मैं कैथोलिक स्कूलों में गया था और मैंने बाइबल को शायद उन अधिकांश ईसाइयों की तुलना में अधिक बारीकी से पढ़ा है जिन्हें मैं जानता हूँ। ये वही संदेश है जब हम कहते हैं कि हम समान हैं क्योंकि हम भगवान के द्वारा बने हुए हैं। हम एक दूसरे की नज़रों में बराबर हैं क्योंकि हम भगवान की नज़रों में बराबर हैं। जिस परंपरा में मैं पला बढ़ा हूँ, हम कहते हैं कि हम एक दूसरे की नज़रों में बराबर हैं क्योंकि ईश्वर हम में से प्रत्येक में निवास करता है। हम सभी का एक दूसरे के प्रति कर्तव्य है। आप जानते हैं बलिदान और कर्तव्य के उस पहलू के बारे में सोचना जो हिंदू धर्म का आधार है। मैं हमेशा सच बोलूंगा कि मैं कौन हूं और मैं किसके लिए खड़ा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सच है कि हम उन्हीं यहूदी ईसाई मूल्यों को साझा करते हैं जिन पर इन देश की स्थापना हुई थी। ये राष्ट्र पूरी तरह से यहूदी ईसाई मूल्यों पर आधारित था। ये एक तथ्य है, ये भी एक सच्चाई है कि मैं उन मूल्यों को गहराई से साझा करता हूँ। क्या भारत विश्व शक्ति के रूप में चीन की जगह ले सकता है? रामास्वामी ने इसका जवाब देते हुए कहा, उनके पास अपने कुछ साथी उम्मीदवारों की तुलना में विदेश नीति का कम अनुभव है, लेकिन पुतिन और शी जिनपिंग जैसे लोगों के साथ काम करते समय भी वो इसे कमजोरी के रूप में नहीं देखते हैं। व्यापारिक लेन देन के इतिहास ने उन्हें सच बोलने और अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देने के लिए तैयार किया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी वृद्धि होगी। भारत के साथ साझेदारी चीन के खिलाफ एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। रामास्वामी ने युद्ध से बचते हुए उस साझेदारी को मजबूत करने और अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी योजना बताई। फिलहाल रामास्वामी के इस बयान से अमेरिका में सनातन धर्म की गूंज एक बार फिर से सुनाई दी और भारतीय मूल के रामास्वामी ने अपनी दहाड़ से जो चुनावी बिगुल फूका है उसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।